मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? सो मैं तो अभी उठी हूँ, उठ के सिर्फ मैंने चाय पी है। फिलहाल मैं बाहर आ गई हूँ थोड़ा सा पेड़ पौधों के पास, क्योंकि आके इधर अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठो और उठ के सीधे की सीधे आपको इस तरीके का ग्रीनरी दिखे ना तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इधर आ जाती हूँ डेली का चाय पी के। और मम्मी पापा उधर पपीता तोड़ने लग रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। अभी मना कर रहे हैं, मत तोड़ो। वही तो। हाँ चलो भुजिया बना लेंगे, मम्मी से पूछती हूँ कैसे बनती है। कई सालों पहले बनी है, अब याद थोड़ी ना। सब्जी बन जाएगी, चलो। पतली तो मैं कहाँ और क्यों आई हूँ वो सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। मुझे नहाना धोना है, उसके बाद बताऊंगी, फ्री होने के बाद ही। आपको कुछ भी जानना है मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या जानना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन सब कुछ बताऊंगी। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए अंदर, क्योंकि पापा भी अभी ऑफिस जाएंगे, तो थोड़ा बहुत काम देख लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी। मम्मी पोहा खाओगी? पोहा दलिया। पहली बार ना एक इंसान के लिए पोहा बनाया, इतना अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। वरना हमेशा मैंने कम से कम 5-6 लोगों का पोहा बनाया है, कभी भी एक इंसान का पोहा नहीं बनाया था, वो भी खुद के लिए, वो तो मैं कभी अकेले ना बनाया। खैर वक्त वक्त की बात है, नाश्ता करते हैं, चलो बाद में करेंगे। आया छोड़ दो, चलो आके कर लेंगे, चलो नाश्ता कर लो। आ जाओ, देखते हैं साड़ी, देखते हैं पहले। ये तो आपकी है। हाँ ये तो हमारी है। और देखो कलर कौन सा आया, जो आप उस दिन पहन गए थे ना आपके लिए। हाँ ये तो हमारी है ब्लैक। ये आपकी साड़ी। वाह भाई साहब, पूछ तो लो आपकी है या नहीं। सही बात है, पूछो तो सही। तभी तो साड़ी देख के लग नहीं रहा आपके लिए। बाय। गलत करा पापा ने, कह रहे होंगे ना कि एक बात ये। नहीं नहीं वो तो मैंने ही बोला, दो साड़ी देख के। एक किसकी है पापा? ये तुम्हारी है। दो गलत किया आपने, एक मम्मी के लिए लेके आनी थी। साड़ी देख के लगा मुझे कि दोनों मेरी हैं। वो शक्ल देख के लगी कि हां हल्की है ना ये। हां हां नहीं साड़ी तो अच्छी है, पर हाँ नहीं साड़ी तो अच्छी है। कोई नहीं, दाल फ्राई करो आप अपनी। मेरे पास सारे कलर की साड़ी थी, एक ब्लैक कलर की साड़ी नहीं थी, इस वजह से पापा ब्लैक कलर की साड़ी लेके आए, और शादी के टाइम पे वो ब्लैक कलर की खरीद नहीं पाए थे, इस वजह से अभी लाके मुझे दी है। तभी से वो बोल रहे थे कि एक ब्लैक कलर की साड़ी दूंगा, अभी उनको वक्त मिला है, टाइम मिला है, तो वो मेरे लिए ब्लैक कलर की साड़ी लेके आए। उसके साथ में एक और साड़ी ले आए थे भी, एक दो दिन पहले उन्होंने बनारस से मेरे लिए हील्स मंगाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लैक साड़ी के साथ में ही पहनूंगी, क्योंकि ब्लैक कलर की ही थी वो हील्स, बहुत सुंदर थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सर दर्द के ना टैबलेट दे दो, हाफ साइड में हो रहा है, माइग्रेन का होता है ना, उस टाइप के अलग वाले की बात है ना। गुड इवनिंग। सो मैं तो अभी उठ के आई हूँ, चाय वगैरह पिए, क्योंकि मैं दवाई खा के, खाना वाना खा के सो गई थी। सो अभी उठे हैं क्योंकि पापा ऑफिस गए थे, तब हम सब लोग उठे थे। सो बाहर निकल के मैं पहले पेड़ वगैरह ही देख रही थी, क्योंकि मैंने पीछे का एरिया अभी नहीं देखा था इतना कि पीछे किस किस के पेड़ हैं, तो मैं वही देख रही थी। चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ थोड़े बहुत पेड़ इधर। सो पपाया का पेड़ तो मैंने सुबह दिखाया था, ये सारे केले के पेड़ हैं,
और ये वाला जो है ना ये अमरूद का है, बहुत बड़ा पेड़ है और इस पर इतने सारे अमरूद आते हैं ना, ढेर। अब तो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया है अमरूद का, तो इस पर बहुत अमरूद आए थे और इतने मीठे थे ना, मैंने भी खाए थे इस पेड़ के अमरूद क्योंकि मम्मी पापा लेके आए थे तब। और एक अमरूद का पेड़ इधर है, इधर अब भी शायद लग रहे हैं, एक दो जल गया है, इधर है अमरूद, ये जल चुका है अभी अमरूद, तो ख़त्म हो गए हैं क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया है, अब अमरूद नहीं आ रहे हैं। और ये सारी तुलसी हैं, और ये आ रही है मम्मी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराते हुए, एक और सब्सक्राइबर बढ़ाते हुए। वही है ना, इधर सब लोग पूछते हैं क्या कर रही है तुम्हारी बहू, क्योंकि सभी ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ वगैरह हैं, तो सब लोग पूछते हैं। और चलो खैर छोड़ो, और दिखाती हूँ मैं आपको, अभी इधर की सफाई नहीं हुई, किसी दिन सफाई करवाते हैं क्योंकि बहुत गंदा पड़ा हुआ है, कल लगते हैं सफाई के कार्य। सो ये हो रहे हैं, क्या था ये, क्या बोलते हैं इसे, हाँ ईख, गन्ना। और इधर तो मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा घास वगैरह है, सांप वगैरह का भी डर रहता है, कहीं खा ना जाए, पता चले यहीं मेरी मौत हो गई। देखो ये रहा एक अमरूद जाएगा, ये भी पका हुआ है तो बेकार है, खा तो सकती नहीं। बीच में घर होके चारों साइड में है ना पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आगे का एरिया जो है ना घर का, वो सबसे अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, इधर डेली की सफाई वगैरह बहुत होती है। आगे का बहुत सुंदर है, ऐसा है आगे से। ये देखो ये रही आंटी और मम्मी दोनों बात करते हुए। ना शोर शराबा बहुत हो रहा है, मैं बैठने के लिए जगह देख रही हूँ कि कहीं शोर शराबा ना आए, वहाँ बैठ के आराम से बात कर सकूँ, क्योंकि बाइक बस कार वगैरह चलती है, हॉर्न पै पै पै, तो कहीं बैठती हूँ पहले मैं जब आपसे बात करूँगी। चलो बैठने के लिए फाइनली जगह मिल गई है, पै पै आए ना, थोड़ा सा इग्नोर करना, वैसे तो मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा है फिर भी पै पै को इग्नोर करना। चलो जी, तो मैं अभी फ़िलहाल आई हूँ मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी पापा जो है वो एमपी में रहते हैं क्योंकि पापा जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है, इस वजह से एमपी में उनकी पोस्टिंग है, तो मैं उनके साथ आई हूँ कुछ टाइम के लिए, बोल सकते हो एक डेढ़ महीने के लिए। तो मैं कुछ टाइम के लिए मम्मी पापा के साथ रहूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने पति के साथ जाऊँगी जहाँ उनकी जॉब है वहाँ। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी मुझसे जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर सब कुछ बताऊँगी। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका स्पेशली एक वीडियो आएगा उसमें बताऊँगी, अभी नहीं बता रही, अभी वक्त नहीं आया, जब सही वक्त आएगा मैं तब बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। पर इस सवाल को छोड़ के कुछ भी पूछ लो जो आपको पूछना हो, अगर आगे कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, वरना ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। और मम्मी एक साथ दो दो काम करते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए और अपना झाड़ू लगाते हुए, जो कि पत्ते सुबह शाम इनके लिए काम बढ़ा देते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पर, कौन से मंदिर पर मम्मी? हम जा रहे हैं माता रानी का मंदिर, शिव जी मंदिर है, राम मंदिर है, और कौन से पे पहुँचते हैं वो देखते हैं। सारे वहीं पे हैं। अच्छा सारे वहीं पे हैं, राधा कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है भगवान, ये है माता रानी का मंदिर। सच्ची बुक बहुत अच्छा लग रहा है, या अभी स्क्रीन चलेगी अभी देखना। हुआ नहीं, अभी नहीं हुई मम्मी, एकदम मेल्ट हो जाएगी वो, 5 मिनट के लिए तो लगाओ, कम से कम 5 मिनट, 3 लगा दो फिर देखते हैं, फिर पता चल जाएगा, दूसरा उसी के हिसाब से टाइमर लगा देंगे। दूसरा पहला दिखाऊंगी अभी बाद में, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, आप रखो।
ये तो लकड़ा कोई बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, ज्यादा रख दिया था हमने। मम्मी प्लेट चेंज कर लो। नहीं कट यार, हाँ कट जाएगा। हाँ चलो नीचे ते जलो ना है बेस। जला नहीं हूँ। ठीक है, पापा वहीं बैठे हैं ना। हाँ बस वो कलर चेंज ना करे ये इस तरीके का, उससे पहले ही बता दे मुझे। तो वही तो देख रहे अभी, वो तो मैं आ गई, मैंने कलर देख लो। कैसा लग रहा है पापा, सही है? हाँ तो फिर ठीक है। स्मेल तो ना रही, ज्यादा हो गया है। हाँ ज्यादा हो गया है, वो पूरा रखना था वो 7-8 मिनट के लिए। हमें दांत है खाओ, मम्मी के नहीं है, मम्मी ये वाला खा लेंगे। खाओ जल्दी बताओ। इस ऊपर से क्यों नहीं सॉस डाले? कोई खाए कोई ना खाए। बिस्किट की तरह लग रहा है भाई। बिस्किट की तरह पिज़्ज़ा ही चेंज कर।